अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम ये कैसे देख सकते हैं कि हमारे जो यूट्यूबर्स हैं वो यूट्यूब ने सब्सक्राइब किया है, यानी कि चलिए आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताती हूँ। यहाँ पे मैं यूट्यूब पे जाऊँगी, जैसे ही मेरे पास यूट्यूब का ऑप्शन कॉन्टेंट का नोटिफिकेशन आ जाता है, अब ऊपर वाली कंटेंट के नोटिफिकेशन को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, चैनल प्रोफाइल का आइकन कॉन्टेंट कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको अपना वाईटी स्टूडियो खोल के दिखा दूँ। क्लिक करने के बाद ये देखें, अगर आप तो मेरे नेम के नीचे देखिए स्टूडियो मैंने सब्सक्राइब करके दिखाई, यहाँ पे यही शो हो रहा है ऑप्शन पे मुझे करूँ इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, यहाँ पे मोनिटाइजेशन तो नहीं शो हो रहा, इस वजह से किसने सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि इसने बहुत सारे लेकिन यहाँ पे सर्च पे ऑप्शन इसने अप्लाई किया मोनेटाइजेशन के बाद, यहाँ मैं सिंपली इसको देखूंगी, यूज्ड कंटेंट का ऑप्शन आ गया और इसका चैनल भी चेक हो मेरे पास आ गया, इस पे क्लिक कर दूंगी सिंपली सर जो प्रॉब्लम को है वो कैसे सॉल्व करेंगे। पे क्लिक करने के बाद मेरे पास मैं देखूंगी, अगर आपका डेस्कटॉप वर्जन पे नहीं ओपन हुआ तो आपके पास यहाँ मैं सर्च कर पे इसको डेस्कटॉप वर्जन पे कर लें, यहाँ पे यहाँ पर मैं लिखूंगी तो आपका जो पेज है वो डेस्कटॉप वर्जन यानी लैपटॉप यूट्यूब साइट पे ओपन हो जाएगा। मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन आपने करना क्या है, आपको यहाँ पे ये मैं जूम करके दिखा देती हूँ, क्लिक करने के बाद ये मेरे पास डेस्कटॉप वर्जन में ओपन हो छोटा सा, आप इसको राइट वन साइड पे स्मॉल आइकन यहाँ पे थ्री डॉट प्रोफाइल का, इस पे ये अगर आपका ऑफ हुआ तो इस पे क्लिक करने के बाद मैं अगेन फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है योर चैनल का इस पे क्लिक करूंगी, तो ठीक है ये मेरे पास इस चैनल क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन हो रहा है बिल्कुल मेरे को थोड़ा लोडिंग में टाइम लग रहा है, आगे कस्टमाइज चैनल जैसे ही ये लोड होता है तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप क्लिक करने के बाद जो मेरा कस्टमाइज चैनल का पेज है अच्छा वो ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे मैं आपको चैनल बताऊंगी न्यू है तो मेरे चैनल को किस लोगों ने सब्सक्राइब किया है, हम वहाँ से बातें कैसे देख सकते हैं, वीडियो पोस्ट तो मेरे साथ रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को वॉच करिएगा, ठीक है। तो अब भी आपको समझ आएगी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी। तो गाइस ये देखें थोड़ी प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है, लेकिन होपफुली तो हमारे पास ही हो जाएगा, आपको बेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए मेरे पास पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पे ये देखें लेफ्ट साइड पे जो ये मेरा प्रोफाइल आइकन है इसके नीचे एक ऑप्शन है जिसमें चार बॉक्स बने हैं, इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करती हूं प्रोफाइल का, प्रोफाइल के ये देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो मेरे पास बैक चला गया, साइड पे जो बेल के पास जो प्रोफाइल आइकन का ऑप्शन था लोडिंग की वजह से मेरा शो नहीं हो रहा था, आपको शो हो जाएगा, ठीक है। आपने मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए मेरा जो है प्रोफाइल ओपन हो गया है, यहाँ पर मैं योर चैनल पे क्लिक कर देती हूँ, प्रोफाइल के नीचे ये जो ऑप्शन है तो गाइस जैसे ही मैंने योर चैनल पे क्लिक किया यहाँ पे मैं आपको इसकी वीडियोस दिखा देती हूँ। अच्छा यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरे पास पेज ओपन हो गया, यहाँ पे आप नीचे वाली साइड देखेंगे रिसेंट सब्सक्राइबर, तो ये देखिए मुझे सब शो हो रहा है, अगर मुझे रिसेंटली किस लोगों ने सब्सक्राइब किया है, अगर आप मजीद देखना चाहते हैं तो सी आल पे क्लिक कर दे, तो योर वीडियो सी आल पे क्लिक करने के बाद ये देखें आपको किन किन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो आपको सारा डिटेल आपके सामने आ जाएगी, जाने के बाद ठीक है यहाँ से सारी आप देख सकते हैं कि शो हो रही है किन लोगों ने, ठीक है सब्सक्राइब तो किया है आपके चैनल को, इसके तो अकाउंट आप से अगर चाहे तो जो डेटा सब्सक्राइब भी कर सकते हैं या जो चाहे जो इसने इधर उधर से उठा के लगाया था, तो गाइस अगर आपको मैंने डिलीट कर दिया हो तो अगर आपका दिल किया बाद तो सब्सक्राइब कर दे, वरना कोई बात नहीं, हम अगर देखें तो इसके पास कोई भी रीयूज्ड कंटेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, मेरी वीडियो से उसकी वजह क्या है, नॉलेज गेन कर रही हैं, सारी जो अल्लाह हाफिज ओरिजिनल कंटेंट थे मतलब जो ओरिजिनल बिल्कुल भी नहीं क्रिएट किए थे इधर उधर से उठा के लगाए थे वो मैंने डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ सर्च ऑप्शन पे जाती हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ वाईटी स्टूडियो डॉट कॉम, स्टूडियो में डॉट कॉम पे मैं देखूँगी,
ठीक है, सिंपली सा मैंने ytstudio.com ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए YT चैनल डैशबोर्ड या सबसे नीचे वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पे मैंने क्लिक किया है। तो गाइस यूट्यूब का जो स्टूडियो है वो हमारे पास ओपन हो जाएगा। वहाँ से भी मैं आपको दिखा दूँगी कि अब अगर ये चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेगा तो इसके पास कोई भी रीयूज कंटेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे नीचे बॉक्स वाली पे मैं वीडियो वाली ऑप्शन पे चैनल डैशबोर्ड पे क्लिक किया है, ये मेरे पास चैनल का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। ठीक है, चैनल का डैशबोर्ड ओपन होने के बाद यहाँ पर मेरे पास बहुत जो इसने ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट किया है वो वीडियोस मेरे सामने आ जाएंगी। ठीक है, ये देखें अगर तो ये देखें यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन के विजिबिलिटी सारी पब्लिक है, रिस्ट्रिक्शन पे सारा नन 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 है। ठीक है, इसकी मतलब अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी वीडियो पे कॉपीराइट का क्लेम नहीं आएगा, कोई भी स्ट्राइक नहीं आएगी, कोई भी अगर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो कोई भी रीयूज कंटेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। बस आपने करना क्या है कि इधर उधर की लगाई हुई पोस्ट को डिलीट करके ओरिजिनल पोस्ट क्रिएट करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। अगर नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि आप मेरे चैनल से कुछ ना कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।